हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रियाज क्लासेस आज के सेशन में हम कंप्लीट यूनिट वन को कवर अप करेंगे जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरमेंट 4 कॉम सेकेंड ईयर इग्नू बिफोर वी बिगिन इफ यूक दीडियो एट एम शेयरिंग डू हिट द लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस योर स्टडीज

Emerging scenario of business environment in India, environmental scanning and finally हम एक short summary देखेंगे इस पूरे unit का। So let us start with the introduction। Now हमारे unit का नाम है dimensions of business environment, ठीक है? यानी कि हमारा जो business है, हमारा जो organisation है, ये isolation में कभी नहीं काम करता, ये एक environment में काम करता है, है ना? कोई ऐसा एनवायरमेंट ऐसा एनवायरमेंट जिसमें कि बाहर डिफरेंट तरीके के फोर्सेस होते हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को इफेक्ट करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं हम अपना मिशन और विशन स्टेटमेंट अचीव कर पाएंगे नहीं उसको वह अफेक्ट करते हैं तो यहां पर एन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम एक थ्रेट की तरह लें ठीक है हर चीज जो है वो थ्रेट नहीं होता कई बार हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ऑपरचुनिटीज भी होते हैं ठीक है सो जिस एनवायरमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो ऑर्गेनाइज वो एनवायरमेंट में बहुत सारे ऑपरचुनिटीज़ होते हैं उस ऑपरचुनिटीज़ को हम ग्रैप करके हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट को नंबर वन बनाते हैं उसके अलावा उसमें बहुत सारे थ्रेड्स भी होते हैं ठीक है उन थ्रेड्स से हमें बच के रहना है हमें सावधान रहना है हमें प्रो मेजर्स लेने ताकि हम उन थ्रेड से बच पाए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो सो एन ऑर्गेट इटने वे दैट इट इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन द अवेलेबल ऑपर्चुनिटीज तो यहाँ पे हमारा फोकस यही रहेगा कि हम जो है मैक्सिमम ऑपरचुनिटीज जितना भी अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अवेलेबल है उन सबको हम क्या करें कैपिटलाइज करें ठीक है हम अपने फायदे के लिए यूज करें हम उससे प्रॉफिट कमाए ठीक है क्योंकि अल्टीमेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है अल्टीमेट एम इज टू मेक प्रॉफिट सो so, अपने मिशन को अचीव करने के लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे वी विल स्कैन द एनवायरमेंट जो भी एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वी विल स्कैन द एनवायरमेंट वी विल लुक फॉर ऑल दोज ऑपरचुनिटीज एंड वी विल ट्राई टू ग्रैब ऑल दोज दोचुनिटीज एंड वी विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन ऑल दोज दोचुनिटीज ठीक है उन सारे ऑपरचुनिटीज को हम अपने फेवर में यूज करेंगे प्लस जो भी थ्रेड्स है उन थ्रेड्स को हम एनालाइज करेंगे कि भाई ये थ्रेड्स है क्या और हम उससे सावधान रहेंगे ठीक है तो so, ये पूरे यूनिट में हमें बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में ही पढ़ना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से स्कैन करके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है आपको ये कैसे पता लगेगा ठीक है क्या क्या स्टेप्स है इन सब में सो so ये सारा हमें इस यूनिट में क्या करना है कवरअप करना है सो so, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो क्या है उसका डेफिनेशन क्या है पूरा टोटल सराउंडिंग पूरा टोटल सराउंडिंग जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा ठीक है सो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एनवायरमेंट में काम कर रहा है और उस एनवायरमेंट के सारे फोर्सेस सारे जो टोटल सराउंडिंग में सारी चीजें जो कि डायरेक्टली या फिर जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करती हैं दे ऑल कम अंडर आवर बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है सो so, अब इस एनवायरमेंट में देर आर टू थिंग्स वन देर इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड देर इज एन इंटरनल एनवायरमेंट तो यहां पे अगर हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करें एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर्स various economic factors, various socio-cultural factors, political factors. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स लीगल फैक्टर्स ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं ठीक है और अगर हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हमारा हमने अपने लिए जो आ, टास्क बनाए हुए हैं स्ट्रेटीज बनाई हुई हैं हमने किस तरीके से कम्युनिकेशन है क्या तरीके का लीडरशिप है क्या क्या रिसोर्सेज है हमारे पास वो सारे चीजें अगेन जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे दैट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल एनवायरमेंट ठीक है सो आवर एनवायरमेंट कुड बी इधर एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको

द environment एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स as fiscal पॉलिसी monetary पॉलिसी द industrial पॉलिसी द नेचर ऑफ economic सिस्टम द pace ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट etc. सो so, economic में वो सारी चीजें आती है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है fiscal पॉलिसी हो गया आपका monetary पॉलिसी किस तरीके का आप जिस इंडस्ट्री में आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उस इंडस्ट्री की policies किस तरीके की है ठीक है सो so, ये सारा चीजें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है इकोनॉमिक वाली कैटेगरी में आता है इसके अलावा आपके पास नॉन इकोनॉमिक environment है स टू सोशियो कल्चरल पोलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज योर नेचुरल फैक्टर्स ठीक है सो यहाँ पे हम इस तरीके से भी जो है अपने एनवायरमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं बट अगर नॉर्मली आप देखा जाए नॉर्मली दो में ही क्लासीफाई होता है एक तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट और एक हो गया आपका इंटरनल एनवायरमेंट सो दिस इज योर ओवरऑल योर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट एक ऐसा सराउंडिंग जिसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसके कारण आपके Uh, जो फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्किंग को यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को और डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को जो क्या करते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑल दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर बिजनेस एनवायरमेंट नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट अब सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस एनवायरमेंट का अब सिग्निफिकेंस के लिए हमें ये पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट किस तरीके का है ठीक है अब देखो बिजनेस एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होता है ठीक है वेरियस फैक्टर कंप्राइजिंग द बिजनेस एनवायरमेंट कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग ठीक है सो जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स जो है कंटिन्यूस तरीके से चेंज होते रहते हैं ऐसा नहीं है कि आज ऐसा है तो कल वैसा होगा कल भी सेम कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका जो एनवायरमेंट है वो कांस्टेंटली चेंज होता रहता है हर मिनट में चेंज होता रहता है ठीक है सो आवर बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी वेरी डायनामिक डायनामिक होने के साथ साथ दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स द एनवायरमेंट विल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इवेंट्स कंडीशन एंड इन्फ्लूस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज तो डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स आते हैं इन सबसे क्या होता है और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके और भी नए नए सिस्टम्स नए नए इन्फ्लुएंसेस नए 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 सेट्स बनाते हैं तो इससे क्या हो जाता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट और भी ज्यादा क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिजनेस एनवायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड। नाउ द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर अर्टिकुलर चेंज इन द एन्यरमेंट मेंचुनिटी बाई सम इट मे बी परसिव्ड एज अ थ्रेट बाय द अदर सो यहाँ पे मल्टीफेसेटेड हम इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों को एक चीज जो है अगर एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो कुछ लोगों को वो कुछ लोग उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और कुछ लोग उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये जो है ये जो चेंज हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री में कोई पॉलिसी चेंज हो गया ठीक है तो आप बोलोगे कि भाई ये पॉलिसी चेंज हो गई इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है ठीक है तो यहाँ पे जो वो लोग जो है पॉजिटिव तरीके से देखेंगे बट कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे यार ये नए रूल के आ जाने से तो हमको ये ऐसे करना पड़ेगा हमको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे हमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हमारे पैसे बहुत लगेंगे रिसोर्सेज बहुत लगेंगे सो so, वो उस चीज का क्या देख रहे हैं भाई वो इस चीज का नेगेटिव साइड देख रहे हैं सो so, यहाँ पे इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट को हम बोलते हैं इट इज मल्टीफेटेड क्योंकि ये हमारे ऑब्जर्वर जो हमारा जो भी ऑब्जर्वर है जो हमारे एनवायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है उसके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि क्या वो उसको नेगेटिवली परसीव कर रहा है या फिर क्या उसको पॉजिटिवली परसीव कर रहा है एंड नेक्स्ट बिजनेस एन्वायरमेंट हेज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ठीक है सो इसका इम्पैक्ट तो भाई फार रीचिंग होता ही होता है हमारा बिजनेस जो है उसका कंटिन्यूटी पे उसके ग्रोथ पे उसके सरवाइवल की बात है, है ना भाई सरवाइवल को तक इफेक्ट कर जाता है कि हमारा बिजनेस कल को रहेगा नहीं रहेगा कल को ठप हो जाएगा वो सारा जो है अगेन हमारा बिजनेस एन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है सो दिस इज ऑल योर पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ योर बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट जो है नेचर ऑफ दिस बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टीफेलटेड एंड फार रिच इम्पैक्ट ऑन इट्स सर्वाइवल कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर एट्स एंडवायरमेंट सो क्योंकि ये एनवायरमेंट हमारा इस तरीके का है बहुत ज्यादा कॉम्पलेक्स है बहुत ज्यादा डायनामिक है सो so, हमें कंटिन्यूसली continuous क्या करना पड़ेगा हमें कंटिन्यूसली जो है उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ठीक है ठीके? तो इसको जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपको करते रहना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि क्या क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हो और उस अपॉर्चुनिटीज को आप जल्दी से क्रैप करो और क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं ठीक है सो तो ये सारा जो है एनालिसिस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे आपको करते रहना पड़ेगा सो so, अगर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरमेंट मैंने पहले ही जैसे आपको बताया दो तरीके के होते हैं फर्स्ट इज योर इंटरनल एन्वायरमेंट देन यू हैव योर एक्सटर्नल एन्वायरमेंट हम शुरुआत करेंगे इंटरनल एनवायरमेंट से ठीक so, so, है सो देर आर नंबर ऑफ इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन्फ्लूस स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन अ बिजनेस सो डिफरेंट तरीके की चीजें आती हैं इंक्लूड होती है इंटरनल एनवायरमेंट में जो कि हमारे बिजनेस को वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है जैसे क्या क्या हो गया हमारा मिशन हमारा विशन ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं क्या क्या एसेट्स हमारे पास है एसेट्स में मतलब कि इसके इसमें यह भी आता है कि हमारे पास जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ठीक है हमारा जो है प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना है हमारा जो है लॉजिस्टिक किस तरीके का है हमारा जो है फाइनेंस फाइनेंस तो सबसे मेन है हमारे पास पैसा कितना है ठीक है मनी रिसोर्स कितना है हमारा जो है कॉरपोरेट इमेज हमारा जो कॉर्पोरेट इमेज है वो किस तरीके का है सो दिस ऑल दिस विल कम अंडर योर इंटरनल इन्वायरमेंट ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन का जो अंदर ही अंदर जो हो रहा है अंदर ही अंदर जो हम लोगों ने उसका जो स्ट्रक्चर बना रखा है हम लोगों ने जो उसका मिशन बनाया उसका विशन बनाया जो गोल्स बनाए ऑब्जेक्टिव बनाए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाई है उसके लिए हमने जो डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं फाइनेंस पैसा लगा रखा है लोगों को लगा रखा है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं सो so, ये सारा चीज जो हम लोग कर रहे हैं दिस ऑल विल कम अंडर योर इंटरनल एनवायरमेंट इसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट नाउ एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं ठीक है सिंपल यही याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर जो हमारे इंडिविजुअल फॉर्म के कंट्रोल के बाहर जो चीजें होती हैं वो सारा जो आता है वो सारा हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे आता है इस पर क्या क्या आ सकता है जैसे आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए लीगल चीजें हो गई सोशियो कल्चरल टेक्नोलॉजिकल ये सारा चीजें जो है ये सारा आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है भाई कल कल को कोई सरकार ही बदल गई अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर सकता है क्या ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कुछ कर सकता है नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ या एम्प्लॉय कुछ कर सकता है बिल्कुल भी नहीं कर सकता सो so, ऐसी चीजें दैट आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल ठीक है अवर मतलब कि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं सो ऑल दो थिंग दैट आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल वो सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आती हैं जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक डेमोग्राफिक पॉलिटिकल, लीगल टेक्नोलॉजिकल एकदम से देखो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गया ठीक है सो दैट विल ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट सो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट वी हैव टू टाइप्स इंटरनल एनवायरमेंट एज वेल एज योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज कॉम्पोन ऑफ एक्सटर्नल एवायरमेंट ठीक है Now द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैन be ब्रॉडली क्लासिफाइड into micro माइक्रो एज वेल एज मैक्रो एनवायरमेंट ठीक है अब अगर हम components की बात करें ठीक है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में वी had टू टाइप्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अब हम एक एक करके components को देखेंगे भाई उसमें component है क्या क्या एक एक चीजें क्या क्या है अब आपके बुक में पेज नंबर नाइन में बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है फिगर 1.1 पॉइंट वन विच शोज यू एनवायरमेंटल फोर्सेस ठीक है ऑल दो एनवायरमेंटल फोर्सेस यहाँ पे आपका आपको माइक्रो एनवायरमेंट दिखेगा और माइक्रो एनवायरमेंट ठीक है सो ऑल द माइक्रो एनवायरमेंट फीचर्स ऑल द माइक्रो एनवायरमेंट में जो भी कंपोनेंट्स है इट विल इंक्लूड योर इंटरनेशनल एनवायरमेंट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशियोकल्चरल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एन्वायरमेंट एंड नेचुरल एनवायरमेंट ये सारा आपका मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर आएगा ठीक है सो ऑल दिस विल कम अंडर योर मैक्रो एनवायरमेंट ऐसे चीजें जिसके ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल क्या नहीं है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है ठीक है अब देखो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो गया हम कुछ नहीं कर सकते नेचुरल एनवायरमेंट एकदम से बाढ़ आ गए एकदम से अर्थक्वेक आ गया हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ठीक है सरकार बदल गई हम कुछ नहीं कर सकते को, कोई कोई लॉ चेंज हो गया नया अब जैसे, जैसे जैसे अभी जीएसटी आया ऐसे कुछ भी नया चीज आ गया उसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता दैट विल ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर मैक्रो एनवायरमेंट और इसके अलावा वी हैव माइक्रो एनवायरमेंट माइक्रो एनवायरमेंट पे क्या क्या ची, क्या क्या आते हैं हमारे कस्टमर आता है हमारा कॉम्पिटिटर आता है कस्टमर वी हैव कॉम्पिटिटर वी हैव मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वी हैव पब्लिक वी हैव वर्कर्स एज वेल एज वी हैव आवर सप्लायर्स ठीक है जो कि क्लोजली रिलेटेड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ऑल दिस विल इफेक्ट डायरेक्टली all our business decisions so they will all form, form part of our micro environment okay so isko thoda sa aur ek ek component ko thoda sa aur detail mein hum dekhenge components mein kon kon se hum dekhenge do component macro environment as well as our micro environment चलिए सबसे पहले हम माइक्रो एनवायरमेंट से शुरू करते हैं ठीक है माइक्रो एनवायरमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है हमारे customers आते हैं Customers देखो भाई कस्टमर्स के कारण ही हमारा बिजनेस सक्सेस होगा या फिर फेल होगा ठीक है so, सो यहाँ पे कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना कस्टमर को अंडरस्टैंड करना मतलब कि कस्टमर के टेस्ट को कस्टमर का टेस्ट कस्टमर का प्रेफरेंस ठीक है ये इस चीज को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी हम सर्विस दे रहे हैं क्या हमारे सर्विस से क्या हमारे प्रोडक्ट से वो कस्टमर खुश है ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया अगर टेस्ट चेंज हो गया तो वो क्या प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है उसका नीड क्या है उस हिसाब से हम किस तरीके से उसको नीड के उस नीड को फुलफिल करता हुआ हम प्रोडक्ट किस तरीके से बनाए सो so, ये सारा आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा यहाँ पे कस्टमर जो है बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है कस्टमर के बिना भाई कोई तो फायदा ही नहीं अपने प्रोडक्ट बनाने का ना हम प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं क्योंकि वो खरीदेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा है ना तो यहाँ पे कस्टमर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा वाइटल है कस्टमर के बाद वी हैव कॉम्पिटिटर्स ठीक है अब कभी भी जो है कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ठीक है अब सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो यूनिक सा जिसका कभी कोई कंपटीशन आ ही नहीं सकता ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑर्गे जो मार्केट में निकलता है जिससे कि प्रॉफिट जहां दिखता है कि लोगों को भाई इसको बनाने में प्रॉफिट है तो और भी आपको कॉम्पिटिटर्स वहां दिखाई देगा और भी कॉम्पिटिटर्स नए नए ऑर्गेनाइजेशन आएंगे जो आपके प्रोडक्ट का सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे होंगे ठीक है so, सो यहाँ पे जो है मोनोपली एक फॉर्म एंजॉय नहीं कर पाता हर टाइम रियल मार्केट सिचुएशन में बहुत डिफरेंट तरीके के कॉम्पिटिटर्स होते हैं और कॉम्पिटिशन को हमें फेस करना ही होता है ठीक है सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर किस हिसाब से किस तरीके का सामान बना रहा है किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है और ऐसा तो नहीं है कि आपका कस्टमर स्विच कर रहा है हमारा प्रोडक्ट छोड़ के उसका प्रोडक्ट ले रहा है तो यहाँ पे आपको अपने कॉम्पिटेटर पे बहुत ही कड़ी नजर रखनी पड़ेगी ठीक है आपको देखना पड़ेगा आपका कॉम्पिटेटर क्या प्रोडक्ट बना रहा है हमारे सुपीरियर टेक्नोलॉजी तो कहीं यूज नहीं कर रहा वो उसका प्रोडक्ट कहीं ज्यादा लेटेस्ट तो नहीं है तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा द थर्ड वन इज योर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज नाउ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हु आर दे they are the channel members which help the business firms to take its product to the final buyer to ye jo hote hain ye beech ke log hote hain dekho ek ho gaya organization ye ho gaya hamara customer ठीक है अब कस्टमर यहाँ पे हम हम ए प्रोडक्ट ए बना रहे हैं अब इस product को customer तक पहुंचाओगे कैसे यहाँ पे मिडिलमैन मैन ठीक है यहाँ पे मिडिलमैन मैन हमारे हेल्प करते हैं सो मिडिलमैन मैन यहाँ या फिर इनको हम मार्केटिंग इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कस्टमर तक पहुंचाते हैं कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं इसके अलावा ये कभी कभी प्रमोशन भी करते हैं हमारे प्रोडक्ट का ठीक है पैकेजिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं लॉजिस्टिक्स में भी हेल्प करते हैं सप्लाई चेन में भी हेल्प करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम भी ये लोग संभाल लेते हैं तो मिडिल मैन को खुश रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस आपको देखना है कि हमारा मिडिल मैन जो है ऐसा तो नहीं है कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ज्यादा वो मार्केट uh, कर रहा है हमारा प्रोडक्ट कम मार्केट कर रहा हो सो so, आपका जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो आप अपने मिडिलमैन के साथ है अपने इंटरमीडियरी के साथ है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए ठीक है देन यू हैव सप्लायर सप्लायर ऐसे लोग हैं सप्लायर क्या करते हैं ये रॉ मेटीरियल अगर आप कपड़े का अगर आप ड्रेस वगैरह में ड्रेस मटेरियल बनाते हो तो उसका जो कपड़ा है उसका जो रॉ फैब्रिक है ये लोग सप्लाई करेंगे आपको ठीक है so, सो ये लोग सप्लाई करने वाले लोग हैं ठीक है तो so, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे भी अच्छी बना के रखनी पड़ेगी ताकि आप आपको जो है अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लो कॉस्ट में मिले ठीक है ऐसा लहगी आपको बुद्धू बनाए आपको लो कॉस्ट में मिले और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और अनइंटरप्टेड होना चाहिए ऐसा नहीं कि अभी दे दिया उसने सामान ठीक है फिर आप एक महीने बाद उससे जाके माल मांगो तो वो बोलेगा सॉरी अभी माल नहीं है तो आपका प्रोडक्शन पर वो डायरेक्ट इफेक्ट होगा है ना सो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ दिस सप्लाई कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑल दीज रॉ मेटीरियल्स उसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना आपके प्रोडक्शन को वो इफेक्ट करेगा ठीक है सो so, इसलिए आपका जो सप्लायर है वो गुड क्वालिटी का सप्लायर होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए भरोसेमंद सप्लायर होना चाहिए

से सो so वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सो देर आर मेनी लेबर मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत सारे लेबर मैनेजमेंट प्रैक्टिस होते हैं जो क्वालिटी है? अब जो भी आपके यूनियन के लीडर होते हैं उन सबसे आपको अच्छे से अच्छे संबंध बना के रखने होते हैं ठीक है वरना वो कल को बोलेंगे भाई हम स्ट्राइक कर रहे हैं हम नहीं काम कर रहे तो ऐसा सिचुएशन ना आए ठीक है ऐसा सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको हमेशा अच्छे से बनाए रखना पड़ेगा अपने वर्कर्स एज एज वेल योर यूनियन एंड फाइनली यू हैव द पब्लिक्स नाउ इन दिस इन द द कॉमन वर्ड पब्लिक्स रिफर्स टू द पब्लिक इन जनरल पीपल इन जनरल तो यहाँ पे कॉमन हम लोगों को ही पब्लिक्स बोलते हैं ठीक है सो अ पब्लिक इज एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन अ कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका जिनके पास ऐसी ताकत होती है जो कि बिजनेस के बिजनेस को बिजनेस के जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उसको वो अफेक्ट करे कि बिजनेस अपना जो है गोल को अचीव कर पाता है नहीं उसको अफेक्ट करे सो so, यहाँ पे जो है ऐसे लोगों से बिजनेस को सावधान रहना पड़ेगा ठीक है सो so, ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों से जो है ये कभी कभार दे थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू आवर कंपनी ऑल्सो ठीक है सो यहाँ पे आपका मीडिया ग्रुप भी आ सकता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप भी आ सकता है लोकल लॉबिस्ट हो सकते हैं एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं ऐसे लोग जो है कभी कभार खतरनाक भी हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है so, सो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उनके साथ आप जो है अगेन रिलेशनशिप आपको उनके साथ किस तरीके से है कुछ भी आप उल्टा सीधा नहीं बोलोगे प्लस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह को आप जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो फॉलो करोगे सो दीज आर ऑल योर माइक्रो एनवायरमेंट के जो भी कंपोनेंट्स हैं जो भी चीजें जो माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर आती हैं दैट इज योर कस्टमर कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग इंटरमीडियरी सप्लायर्स वर्कर्स एंड यूनियन एज वेल एज योर पब्लिक नेक्स्ट माइक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स कंपोनेंट्स जो है हमने सारे देख लिए अब हम देखेंगे मैक्रो एनवायरमेंट के बारे में सो मैक्रो एनवायरमेंट ऐसी चीज है ऐसे उसमें ऐसे चीजें आती है जिसका कंट्रोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है ठीक है सो द माइक्रो फोर्सेज आर जनरली मोर अनकंट्रोलेबल देन द माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्स एंड द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस फर्म टू अ लार्ज एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू सेल्फ टू द डायनेमिक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेटेड एनवायरमेंट विच हैज फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द फॉर्म तो अगेन ये जो है ऐसे चीजें हैं जिसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है सो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं हम एक एक करके सारा देख लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बारे में ठीक है नाउ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट सच एज नेचर ऑफ द इकॉनमी इकोनॉमिक रिसोर्स लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आता है ठीक है सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे कंट्री का किस हिसाब से है जो लोग हैं लोगों के पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? लेवल ऑफ इनकम लोगों का किस हिसाब से इकोनॉमिक रिसोर्सिस जो हैं वो किस हिसाब से हमारा एनवायरमेंट हमारा जो इकोनॉमी जो है उसका नेचर किस हिसाब से ऑल दिस विल कम अंडर योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट ठीक है सो ऑल दिस फैक्टर्स हैव अ बियरिंग ऑन द स्ट्रेटर्जीज अडॉप्टेड बाय द फर्म तो हमारा जो फर्म है किस तरीके से अपना डिसी स्ट्रेटर्जीज बनाएगा टू अचीव इट गोल इट विल अगेन डिपेंड अपॉन योर इकोनॉमिक एनवायरमेंट कि आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है वो किस तरीके का है सेकेंड वी कमाउंड टू पोलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट ठीक है पोलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट यानी कि पोलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पोलिटिकल पार्टीएंस इन डिटर विच द बिजनेस एंटरप्राइजेस में अडोप्ट तो हमारा जो कंट्री का गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है एज अ प्लानर रेगुलेटर एंड प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है सो यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट किस तरीके से रूल बनाता है हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कौन है कौन सा हमारा पॉलिटिकल पार्टी हमें रूल कर रहा है वो किस तरीके से जो है रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं क्या हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो स्टेबल है कि नहीं हमारा गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं अगेन इस पे भी इफेक्ट करेगा कि हमारा जो है ये भी हमारा जो है हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट ठीक है द सोशल कल्चर एंड द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लूस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज अब हर सोसाइटी जो होता है हर सोसाइटी का अपना अलग ही कल्चर होता है ठीक है अपना अलग एटीट्यूड होता है बिलीफ होता है लैंग्वेज होता, होता है तो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो इसी तरीके से इसी एटीट्यूड के साथ इसी लैंग्वेज के साथ इसी कस्टम के साथ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं नाउ एनी बिजनेस फॉर्म विच एम्स एट एंटरिंग एनी मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द सेंसिटिविटीज ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्व ठीक है सो जो भी आप कोई डेमोग्राफी के लिए किसी क्षेत्र के लिए जब आप एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी विचारधाराएं कैसी है ठीक है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं किस तरीके से उनका कल्चर है क्या हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं क्या वो उनके आइडियोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ऐसा चीज लॉन्च कर रहे हैं कि वो लोग खाते ही ना हो या फिर उन लोगों को समझ ही ना आए ठीक है सो इसलिए आपको वहां का जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट है वो भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नेक्स्ट इज योर डेमोग्राफिक एनवायरमेंट डेमोग्राफिक फीचर्स डील विद द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आपका जो पॉपुलेशन है उसका साइज कितना आपका जो कंट्री है आपके कंट्री का पॉपुलेशन कितना है ठीक है उससे आपको पता लगता है कि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है आपका डोमेस्टिक मार्केट का साइज क्या है ठीक है इससे आपको पता लगेगा कि आपके डोमेस्टिक मार्केट का साइज क्या है नॉर्मली पॉपुलेशन इन दंट्रीज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द साइज ऑफ योर डोमेस्टिक मार्केट तो यहाँ पे इससे आपको एक कंप्लीट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा ना आपके सोसाइटी के बारे में आपके लोगों के बारे में कि भाई रूरल एरिया जो है आपका जो रूरल एरिया कितना है अर्बन एरिया कितना है तो इस हिसाब से आप ना प्रॉपर तरीके के जो है स्ट्रेटजीज बना पाओगे ठीक है प्रॉपर तरीके के पॉलिसीज बना पाओगे आप जो है रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से अलोकेट कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि आपका क्षेत्र जो है डेमोग्राफी जो है डेमोग्राफी का मेकअप किस तरीके का है सो दिस ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर मैक्रो एनवायरमेंट इसके बाद आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में वही चीजें आती हैं जैसे कि आपका जो मशीन है जो आपके नॉलेज है योर नॉलेज अबाउट ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको जो नॉलेज है अबाउट ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आपका बिजनेस है जो भी आपका बिजनेस है उसका प्रोसेस है जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ठीक है अगर आप पुराना टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्या होगा भाई आपका प्रोडक्ट जो है कोई खरीदेगा ही नहीं सकता क्योंकि सब लोगों को हमारे कस्टमर्स को लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है ठीक है so, सो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके जो इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है आपको उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपने प्रोडक्ट्स को भी उस हिसाब से इवॉल्व कराते रहना पड़ेगा देन यू हैव योर इंटरनेशनल एनवायरमेंट ठीक है अब हम खाली इंडिया इंडिया की बात ही नहीं कर रहे इंटरनेशनली भी हमें क्योंकि आज का डेट में हर चीज क्या है ग्लोबल है है ना हर चीज ग्लोबल है ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है हर चीज ही ग्लोबल हो गया है तो इंटरनेशनल फैक्टर्स में भी अगेन वहां के बाहर के पॉलिटिक्स कैसा है बाह, बाहर का टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कैसा है ऐसा तो नहीं है कि बाहर कोई नया ही टेक्नोलॉजी आ गया ठीक है कोई और कंट्री में यूएस में या फिर लंडन में या फिर कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी बाहर इंडिया के बाहर कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज आ गई हो कोई ऐसा ज आ गया कोई ऐसा पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो गया जिससे आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा तो ये सारे चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगेन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर मैक्रो एनवायरमेंट एंड फाइनली वी हैव द नेचुरल एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस एनवायरमेंट में है उसके उसके अराउंड जो है किस तरीके का मेकअप है फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री इज पॉसिबल ओनली इन दोज प्लेसेज वेयर शुगर किन कैन बी ग्रोथ बिकॉज ऑफ सुटेबल क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन ठीक है अगर आपको एक शुगर शुगर इंडस्ट्री सेटअप करना है ठीक है एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आपको सेटअप करना है तो आप जो है एक ऐसा क्षेत्र ढूंढोगे कि जहाँ पे भाई क्या मेरे लोकली अवेलेबल है शुगर केन वगैरह जहां पे लोकली अवेलेबल होगा जहाँ पे लोकली ग्रो होगा वहां पे ऐसे क्षेत्र में आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना प्रेफर करोगे या फिर अपने यूनिट को प्रेफर करोगे वहां पे सेटअप करना ठीक है सो यहाँ पे आपका जो है नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप जैसे कोई भी आप जैसे पोटैटो चिप्स ही बना रहे हो अगर आप तो क्या आलू आप जिस क्षेत्र में हो उसके अराउंड क्या आपको जल्दी से आलू आप प्रोक्योर कर पाओगे क्या वहां पे आलू उगता भी है कि नहीं तो इस हिसाब से जो भी है ये आपका नेचुरल एनवायरमेंट में आता है कि आपका जो इकोलॉजी है आपके अराउंड जो किस तरीके का जगह है अगेन इट विल इफेक्ट योर माइक्रो एनवायरमेंट और देखो अगर आप देखोगे ये सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारा जो सीईओ है या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी ले लो आप एम्प्लॉज ले लो मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है ये सारे फीचर्स है ना सो ऑल दीज फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हो दे विल ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर मैक्रो एनवायरमेंट ठीक है सो हमने माइक्रो एनवायरमेंट भी पढ़ लिया हमने मैक्रो एनवायरमेंट भी पढ़ लिया नेक्स्ट हम क्या देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इन इंडिया अब इंडिया में क्या हालचाल है भाई बिजनेस एनवायरमेंट की अगर हम बात करें इंडिया में बहुत ही फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है ठीक है बहुत ही फास्ट स्पीड से क्या हो रहा है सब कुछ चेंज हो रहा है ठीक है अगर आप पांच साल पहले देखो पांच साल पहले कितना ज्यादा पीछे था है ना पांच साल या दस साल पीछे ही ले लो टेक्नोलॉजी वगैरह एकदम तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया बहुत ही एडवांसमेंट देखने को मिलेगा अगर आप देखो अभी जैसे कोरोना हुआ उसके बाद देखो वर्क फ्रॉम होम ये पहले कभी था ही नहीं है ना दस साल पहले हम लोग वर्क फ्रॉम होम तो सोच भी नहीं सकते थे बट आजकल जो है वो हर जगह पे हर कोई भी कंपनी ले लो आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये वर्क फ्रॉम होम ऐसे ऐसे फीचर्स आप फीचर दे, आपको देखने को मिलेगा तो ये सब क्या है ये सब एकदम फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट है ना ऐसे एनवायरमेंट जो है अगर इंडिया की हम बात करें बहुत ही ज्यादा जल्दी से बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है चेंज हो रहा है अगर ग्लोबल लेवल पे भी देखें ग्लोबल भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण इंडिया में भी बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलता है अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नाउ इंडिया जो है वन इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम सीम्स नॉट ओनली टू हैव सर्वाइव्ड सिंस इंडिपेंडेंस बट इट हैज एक्चुअली स्ट्रेंथन ओवर द इयर्स ठीक है सो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट जो है किस तरीके से है गवर्नमेंट जो है आप पहले मतलब इतना टाइम से हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं है ना बट हमने इतना टाइम सरवाइव किया प्लस हमारा अभी जो है स्ट्रांग ही होता जा रहा है अभी आप अभी करंटली भी देखो हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना क्योंकि पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल एकदम स्टेबल होना चाहिए गवर्नमेंट वगैरह जो है एकदम स्टेबल होना चाहिए सो दिस इज वन ऑफ द रीजन की हमारा अगर देखो अगर पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होगा तो कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो भी देखो रूल्स पॉलिसीज वगैरह ढंग से बनेगा नहीं फिर इंडस्ट्री में जो है आपको स्टेबिलाईजेशन देखने को नहीं मिलेगा वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ठीक है सो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बिल्कुल होना नहीं चाहिए देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही है कि अगर इंडिया के व्यू पॉइंट से देखें ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया कंटेक्सट मींस इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनमी टू द ग्लोबल इकॉमी ठीक है नाउ सिंस जुलाई 1991 द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज इनिशिएटेड बाय इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री इन अ बिग वे ठीक है हम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू के मेंबर्स हम 1985 में बने और इसके बाद जो सिनेरियो था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ही ज्यादा भयंकर बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हुआ अगर हम बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की बात करें ठीक है ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ही पर हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे भी हमारा बहुत ही ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है ठीक है वो बहुत ही ज्यादा इंडिया में हमें ग्रोथ देखने को मिला चाहे हम कोई भी सेक्टर ले लें हमारे नए नए एमएनसी पहले देखो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह कहाँ है इंडिया में नहीं थे ना फिर एमएनसीज़ वगैरह सेटअप करे बाहर से आए ना ये लोग तो बाहर से फॉरेन प्लेयर्स आने लगे डिफरेंट कंपनीज आने लगी डिफरेंट 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 अगर हम फार्मेसी की बात करें कोई भी हम कोई भी हम क्षेत्र की बात करें बाहर से बहुत सारे कोलेबोरेशन वगैरह हमारे इंडिया में आने लगे मर्जर्स होने लगे एक्विजीशन होने लगा जिससे कि क्या हुआ हमारे डिफरेंट तरीके का अभी हमें डिफरेंट तरीके का हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है अवेलेबल है आज के डेट में अगर हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन liberal, की बात करें नाउ द इंडियन इकोनॉमी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी हम बात करें उस टाइम से पहले तो बहुत ही ज्यादा रेगुलराइज था ठीक है बहुत ही ज्यादा पॉलिसीज मतलब कंट्रोल्ड था ठीक है जो भी गवर्नमेंट बोलेगी उस पॉलिसी को आपको फॉलो कर रहा है और कोई आपको अगर एक नया इंडस्ट्री सेटअप करना फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आपको एक बिस्किट का फैक्ट्री सेटअप करने उसके लिए इतने झमेले होते थे पहले इतने रूल्स होते थे इतने झमेले मतलब आप ना उसी में पागल हो जाओगे बट वो धीरे 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 क्या हुआ वो धीरे 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 हटने लग गया धीरे धीरे वो जो लाइसेंस राज था पहले परमिट्स वगैरह चाहिए होते थे वो सारा हटने लग गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया हमारे पास 1956 के बाद हमारा जो फर्दर जो है इंडिया में आपको जो पब्लिक सेक्टर है पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी था उससे हटके धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने लगा ठीक है एंड एट नाइनटीन सेवेंटी फ्रेमवर्क फॉर फिर हमारे पास प्लान, कमीश, प्लान कमीशन वगैरह आया 1990 में इन विच धीरे 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 इकोनॉमी जो था इकोनॉमी उस टाइम पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ सा था फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिसीज जो है हम शिफ्ट किए गए जानबूझ के लिबरलाइजेशन की तरफ ठीक है क्योंकि लिबरलाइजेशन के आने से ही हम जो है प्राइवेट प्लेयर्स को इंडिया में ला पाए ठीक है वरना पब्लिक सेक्टर जो था बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा था क्योंकि लॉस में क्यों चल रहा था भाई हमारा क्योंकि एम ही ये था कि हम जो है लोगों की सेवा करें है ना पब्लिक जो है वो पब्लिक सेक्टर मोस्टली आप देखोगे आप लो सब्सिडाइज चीजें लोगों को प्रोवाइड कराना चाहोगे सस्ती चीजें लोगों के अगर कुछ प्रोवाइड आपको कराना है तो वो आपका थोड़ा सा लॉस में ही जाएगा हैवी लॉसेस जो है ये सब बहुत होते था सो so बहुत दिक्कतें होती थी बट ये सब लिबरलाइजेशन वगैरह आने के बाद जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो जो है ग्रेटर हमारा जो है पार्टिसिपेशन हमने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर की तरफ और हमने फॉरेन कंपनीज को भी बहुत ही ज्यादा इन्वाइट किया एम आर टी पी एक्ट हो गया कोई भी एक्ट हो गया इन सब एक्ट्स को हमने बहुत ही ज्यादा लिबरलाइज किया कुछ जो पुराने एक्ट्स थे जिनकी जरूरत नहीं थी जिसके कारण जो है आप लोग नए नए इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे थे नई कंपनी नहीं खोल पा रहे मतलब बहुत झमेला पेपर वगैरह वो सारा जो है काफी ज्यादा हद तक कम कर दिया है एंड ऑल दीज गिवन अ बिग बूस्ट टू अवर इकोनॉमी एंड द इकोमी विच वॉज कैरेक्टराइज एन इकोनॉमी ऑफ स्केर स्केयर सिटीज it suddenly became vibrant and started showing signs of buoyancy with increased competition and more active play of the market forces okay so pehle hamara ekdam sa jaisa closed economy tha wo ekdam economy khul gaya theek hai खुलने के बाद क्या हुआ हमारे हमें जो है बहुत ही vibrant तरीके के changes देखने को मिले बहुत ही ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत ही ज्यादा ज्यादा तरीके से ग्रो होने लगा नए नए कंपनी सेटअप होने लगे फॉरिन कोलेबरेशन होने लगे सो so ये सारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में आपका आता है ठीक है अगर हम टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की बात करें ठीक है सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्स विल इट टेक्स प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड विच हैज नॉट बाईपासड इंडिया सो टेक्नोलॉजी जो है जो फॉरन में जो है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चेंजेस हो रहे थे वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी अडॉप्ट किया ठीक है जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह पहले बाहर होते थे यहाँ इंडिया में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था इनका बट हमने बाहर से देख के यहाँ पे भी कॉल सेंटर वगैरह बहुत सारे किए एमएनसीज़ जो है बहुत सारा सेटअप किया आ, हमने जो है टेक्नोलॉजी जो है हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा तरीके से यूज करने लगे कंप्यूटर वगैरह हो गया कंप्यूटर computer को कंप्यूटराइजेशन बीच में आपको याद हो गया कि जो भी मैनुअल चीजें थे ना मैनुअल चीजों को हमने कंप्यूटराइज कर दिया ठीक है कम्युनिकेशन जो हो गया हमने हर चीज जो है बाहर की टेक्नोलॉजी जो भी है लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने भी इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है एट पार विद द वर्ल्ड वर्ल्ड जो भी बाहर जो चेंजेस हो रहे थे हमने उसको उसको सब कुछ अडॉप्ट किया है आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें द साइज ऑफ कंपनीज़ इज़ एक्सपेंडिंग एट अ फ़ास्ट रेट दे आर एंगेज इन डायवर्सिफाइड एक्टिविटीज तो ऐसे केस में जब आप डाइवर्सिफाइड होते हो तो ऐसे केस में द ट्रेंड इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस कॉपरेट इज टू रिलाई ऑन आउटसोर्सिंग तो ऐसे केस में जो है कंपनीज क्या करती है अगर जैसे अगर हम खुद से ही वो काम करें तो हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा बट अगर हम सेम उस काम को जो है अगर बाहर आउटसोर्स कर दे फॉर एग्जाम्पल चाइना जैसे कंट्री में जहां पे जो है आपको कम प्राइस में जो है वो आपका काम हो जाएगा तो ऐसे केसेस में जो है आउटसोर्सिंग का नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया और वो चीज आपको इंडिया में भी देखने को मिला ठीक है देन वी हैव इमर्जिंग रूरल मार्केट्स नेक्स्ट वी हैव इमर्जिंग रूरल मार्केट ठीक है अब हमारा फोकस जो है कंपनीज मेनली जो है अर्बन एरियाज पे ही फोकस करती है बट यहाँ पे जो रूरल मार्केट है आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुका है ठीक है पहले इतना रूरल पे फोकस नहीं होता था बट आज के डेट में रूरल पे जो जो रूरल मार्केट है दे आर टूमोरो मार्केट एंड दे आर

हमारे अर्बन मार्केट में ऑलरेडी जो है बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन हो चुका है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुका है हमारा अर्बन मार्केट ठीक है नाउ दीज फॉर मेनी प्रोडक्ट्स इन सच अच्छेड फॉर्म्स आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट फॉर देयर existing प्रोडक्ट सो so, हमारा uh, ये मार्केट जो है ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुके हैं फॉर एग्जांपल हम कोई फेस वॉश बना रहे हैं हम यहाँ पे जो है अर्बन एरिया में बेच बेच के बेच बेच के ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स भी कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है इतना ज्यादा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ फेस वॉश है ये वो है। तो यहाँ का मार्केट पूरा सैचुरेट हो गया अब आप क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव फॉर्म हो आप एक इनोवेटिव फॉर्म हो आप एक ऐसे फॉर्म हो जो कि जिसको कि नंबर वन बनना है इंडिया में तो अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड फॉर्म हो आप नए नए जगह देखोगे आप देखोगे कि कौन सा ऐसा जगह है जो कि अनटैप्ड है कौन सा ऐसा एक मार्केट है जो कि अनटैप्ड है जहां पे मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ देन योर फोकस विल शिफ्ट टू रूरल एरिया रूरल एरिया ऐसा एरिया है जहां पे फोकस जो है पहले ज्यादा था नहीं पहले रूरल एरिया के लिए अब कौन फेस वॉश बनाता है भाई कौन यूज करता कोई नहीं यूज करता है ना बट आज के जमाने में अभी का अगर आप ट्रेंड देखो कि वहां पे भी लोग सारे प्रोडक्ट्स सब यूज करते हैं एंड हमारे जो कंपनीज है वो इनके लिए अब इनको फोकस करके प्रोडक्ट बना रहे हैं ठीक है सो so यहाँ पे भी आप अपना मार्केट जो है देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन ऑल ऑफ दिस सो बड़े बड़े कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर हो गया ब्रुकबॉन्ड हो गया लिप्टन हो गया आपका कोलगेट हो गया पामोलिव हो गया इन सबको ये यह यहाँ पे इस रूरल एरिया का पोटेंशियल दिखा और यहाँ पे जो है बहुत सारा जो है अभी एकदम से आपको यहाँ पे जैसे अर्बन एरिया में होता है उसी लेवल का आपको मार्केटिंग वगैरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा सो अगेन दिस इज वन ऑफ सिनेरियो इमर्जिंग सिनेरियो एक चेंज जो है यहाँ पे आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है एंड फाइनली वी हैव स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन the द स्टेक होल्डर्स आर द वेरियस the ऑफ द have an interest इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंड आर by the द of ऑफ द बिजनेस सो स्टेक होल्डर्स ऐसे लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है हाँ, बिजनेस से क्यों क्योंकि उनके स्टेक लगा हुआ है उनका कुछ ना कुछ जो है लगा हुआ है यानी कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज हो गया कस्टमर हो गया सप्लायर हो गया शेयर होल्डर हो गया इन्वेस्टर हो गया लोकल कम्युनिटी हो गया All these people, the expectation of these stakeholders have reached a situation where the question of responsibility of business to the community can no longer be scoffed or taken lightly. So yahan pe jo hai hamara company ko jo hai इन सारे stakeholders को खुश तो रखना ही रखना है plus जो अपना जो social responsibility है, हम जो CSR activities कहते हैं ठीक है थेके? corporate social responsibility ठीक है ये सारी चीजें उसको भी आपको फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो इन सब में एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है दिस इंप्लाइज दैट द क्लेम ऑफ वेरियस इंटरेस्ट विल हैव टू बी बैलेंस नॉट ऑन द नैरो ग्राउंड ऑफ वॉट इट इज बेस्ट फॉर द शेयर होल्डर्स अलोन बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉट इज बेस्ट फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज ठीक है सो दीज आर ऑल द इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस एंड दैट वी कैन सी इन इंडिया नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग अब हमने देख लिया कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है भाई इंटरनल एनवायरमेंट होता है डिफरेंट क्या क्या चीजें होते हैं कंपोनेंट्स हमने देख लिया डिफरेंट uh, मतलब होता क्या अपॉर्चुनिटीज होती है थ्रेट होते हैं है, ये सारा हमने देख लिया अब एनवायरमेंट को ऐसे एनवायरमेंट को स्कैन करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है स्कैन हम किस लिए करते हैं स्कैन हम बेसिकली ये देखने के लिए करते हैं कि थ्रेट क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है ठीक है थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए हम क्या करते हैं एनवायरमेंट को स्कैनिंग करते हैं हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स दे आर रेलिवेंट एनवायरमेंट ठीक है तो हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं अपने रेलिवेंट एनवायरमेंट को टू आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरचुनिटीज दैट कुड बेनिफिट देम एंड थ्रेट्स

एनवायरमेंट में काम करता है और वो जो एनवायरमेंट है बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बहुत ही ज्यादा मल्टी है सो इसको जो है आपको थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है अगर आप एनालिसिस करोगे तो क्या होगा आपको जो है आपके थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगेगा आपको डेटा मिलेगा बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा इस डेटा को आप अपने स्ट्रेटर्जी डिफरेंट वेरियस स्ट्रेटर्जी बनाने में आप उसको यूज कर सकते हो ठीक है एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है आपको अपने एनवायरमेंट के बारे में हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए हम एनवायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं देट इज नॉट टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग सो अगेन यहाँ पे वही चीजें रिपीट होती है अगर हमवायरमेंट स्कैनिंग के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वो एक होलिस्टिक व्यू ऑफ द एनवायरमेंट राधर पीस नील एनालिस ऑफ वेरियस ट्रेंड्स एंड कॉम्पोनेट्स ऑफ द एनवायरमेंट तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक एक चीजें देखो एनवायरमेंट में अगर आप एनवायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हो क्या तो ऐसा नहीं है कि आप खाली भाई टेक्नोलॉजी को ही देखो भाई टेक्नोलॉजी में ये चेंज हुआ वो चेंज हुआ ऐसा नहीं है आप एक चीज को फोकस नहीं कर सकते कहने का मतलब ये आपको एक होलिस्टिक भी होना चाहिए आपको पॉलिटिक भी देखना है आपको टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट भी देखना है आपको सोशो कल्चरल एनवायरमेंट भी देखना सारे एनवायरमेंट आपको देखना पड़ेगा ठीक है सो इट इज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज आप एक पिन पॉइंट करके एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते आपको सब में सारे एरियाज को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा नेक्स्ट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज हमने एनालिसिस कर दिया तो हो गया भाई वो डेटा से हम एक महीना चला लेंगे ऐसा नहीं है आपको कंटिन्यूस में आपका एनवायरमेंट स्कैन करते रहना पड़ेगा क्योंकि पता चले सुबह आपने स्कैन किया और शाम को कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना तो क्या होगा आपके बिजनेस को वो अफेक्ट करेगा सो कंटिन्यूस तरीके से कंटिन्यूस लेवल पे जो है स्कैन होते रहना बहुत ही ज्यादा क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड फाइनली इट इज एन एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस ऑब्वियसली वो एक एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है जो भी बिजनेस जो है हमारा काम कर रहा है ऐसे एनवायरमेंट में जो कि जो है अनसर्टन है हमें पता ही नहीं है यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से ही बाहर है ठीक है सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ठीक है ठेके? इस एनवायरमेंट को सो so, इसलिए हमने बोल दिया कि ये क्या है एक एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है सो so, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात करें तो वो क्या क्या है वो होलिस्टिक एक्सरसाइज है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और क्या है एक एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल स्कैनिंग अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो अप्रोचेस टू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग में रीच इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स मे बी अडॉप्टेड एज अ रिएक्टिव मेजर टू अ क्राइसिस और एडहॉक स्टडीज अंडरटेकन ओकेजनली टू अ अलीस्टमैटिक और फॉर्मल प्रोसीजर यूज एज प्रोएक्टिव मेजर फॉर एंटीसिपेशन ऑफ चेंजेस इन फैक्टर्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस अब कहने का मतलब यही है कि अप्रोचेस यानी कि आप अप्रोच किस तरीके से करोगे एनवायरमेंट स्कैनिंग को देखो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है एकदम से कोई मुसीबत आई एकदम से कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी आपको तो पता ही नहीं लगा आपने कभी स्कैन ही नहीं किया एनवायरमेंट को और आप रिएक्ट कर रहे हो ठीक है ठीके? आपको पता लगा अरे अच्छा ये नया टेक्नोलॉजी इसने इन्वेंट किया है और इसका प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर ने बना भी लिया तो जल्दी से हमको हम भी एनवायरमेंट स्कैन करेंगे सो दैट इज अ रिएक्टिव थिंग मतलब कि कोई चेंज हुआ आपको पता ही नहीं लगा चेंज होने के बाद जब आप कुछ करते हो दैट इज रिएक्टिव थिंग या फिर आप क्या कर सकते हो आप जो है कंटिन्यूस बेसिस पे डेली बेसिस पे स्कैन कर सकते हो या फिर महीने में एक बार स्कैन कर सकते हो बट महीने में एक बार स्कैन करने से आपने देखा कि भाई जो कुछ चीजें जो है आप मिस आउट कर जा रहे हो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ जो है एक्शन जल्दी से नहीं ले पा रहे हो अगर महीने में स्कैन होता है एनवायरमेंट तो फिर आपने क्या कर दिया प्रॉपर सिस्टम ही बना दिया आपने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही आपने बना दिया और इस डिपार्टमेंट का काम क्या है खाली रिसर्च करना सो ये क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो है अप्रोचेज है आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो उस चीज को या तो वो चीज हो जाए ठीक है या तो कुछ आप रिएक्शन करोगे उसका या तो आपके प्रॉपर सिस्टम पहले से ही बने हुए होंगे जो कि एनवायरमेंट को एनालिसिस करेंगे तो अगर हम अप्रोचेस की बात करें हमारे पास जो है देर आर थ्री अप्रोचेस विच कुड भीड फॉर द पर्प ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग सो एनवायरमेंट स्कैन करने के लिए हम देर आर थ्री अप्रोचेस को इन तीनों में यूज कर सकते हैं पहले अगर हम बात करें जो पहला अप्रोच है दैट इज योर सिस्टमैटिक अप्रोच ठीक है नाउ दिस सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच अस्टम विच विल एनश्योर साइंटिफिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग ठीक है यहाँ पे जो है आप साइंटिफिक एंड यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आप इंश्योर करोगे यहाँ पे एक आप प्रॉपर सिस्टम बना बना दोगे जो कि साइंटिफिक तरीके से और कंटिन्यूस ली क्या करेगा कंटिन्यूअसली डेटा कलेक्ट करता रहेगा एनवायरमेंट से ठीक है तो यहाँ पे आपको जो है रेलिवेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड रेलिवेंट डेटा जो है आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा से अप्रोच इज यक अप्रोच नाउ दिस अप्रोच इन्वॉल्स कंडक्ट ऑफ स्पेशल सर्विस एंड स्टडीज टू डी विथ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है अब को, कोई एकदम से जैसे अभी एयर पोलूशन हो गया ठीक है जैसे दिवाली आई बहुत सारे पटाके लोगों ने रह, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गया अब इसको स्टडी करने के लिए आपने एक स्पेशल सर्वेस चल जा दिया सो दैट इज योर एडहॉक अप्रोच ठीक है कोई चीज हो गया उसको स्टडी करने के लिए आप अगर कोई सर्वे कर रहे हो कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हो कोई टीम बना रहे हो सो दैट ऑल कम्स अंडर योर एडहॉक अप्रोच The third one is your processed form approach. Now, under this approach, the organization uses information in a processed form which may be available from various sources both inside and outside the organization. The information in processed form is usually supplied by government agencies or private institutions engaged in the compilation and processing of such information. So, यहाँ पे देखो नाम ही है इसका प्रोसेस डिफॉर्म यानी कि बनी बनाई खिचड़ी को आप खा रहे हो यानी कि पहले से ही जो है गवर्नमेंट फॉर बनाएगा कौन इसको या तो गवर्नमेंट ने बनाया होगा या फिर जो आपके इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उन सब ने बनाया होगा सो so, इस डेटा को आप प्रोसेस करते हो इस डेटा से जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन सारे जो चीजें हैं बने बनाए मेटीरियल को आप क्या करते हो यहाँ बैठ के एनालिसिस करते हो सो दीज आर सम ऑफ द अप्रोचेस दीज आर मेनली थ्री थी तीन ही अप्रोच है आपके सिलेबस में तो तीन अप्रोचेस है जिससे कि आप एनवायरमेंट की स्कैनिंग कर सकते हो पहला हो गया आपका सिस्टमैटिक अप्रोच सेकेंड है आपका एडोक अप्रोच एंड द थर्ड वन इज योर प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच

इस एनवायरमेंट में इस एनवायरमेंट में आपके एनवायरमेंट में क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं यहाँ पे आप अपने माइक्रो फैक्टर्स एज वेल एज योर मैक्रो फैक्टर्स ठीक है सो so, माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स की आप क्या करोगे एनालिसिस करोगे आप देखोगे कि आपका बिजनेस जिस एनवायरमेंट में है उसमें माइक्रो फैक्टर्स कौन कौन से मैक्रो फैक्टर्स कौन कौन से और ऐसे क्या चीजें हैं जो कि मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा ये आपका पहला स्टेप हो गया सेकेंड है आपका स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग सो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहां पे देखो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आप एनवायरमेंट स्कैन करने जाओगे अब आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा से मिलेगा आपको इंटरनल सोर्सेज जैसे कि इंटरनल सोर्सेज हो गया आपका भाई कंपनी के फाइल्स वगैरह कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उससे आपको पता लगेगा कि मेरा कंपनी जो है किस स्टेट में है क्या है कितने फाइनेंस है मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं कितना खर्चा मेरे पास होता है मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है ये सारे आपको जो है आपके इंटरनल सोर्स से ही पता लग जाएगा अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें आपको पता करना है कि मेरा इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके लिए आप इंडस्ट्री के मैगजीन्स वगैरह पढ़ोगे आप अपने गवर्नमेंट डेटा को पढ़ोगे अगर आपको पता लगाना है कि आपके कंट्री में क्या चल रहा है कि भाई मेरे कंट्री में जो है मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फेस वॉश ही बनाता हूँ तो मेरे कंट्री में कितने लोग हैं जो फेस वॉश यूज करते हैं अर्बन में कितने लोग फेस वॉश यूज करते हैं रूरल में कितने यूज करते हैं so, सो इन सब का डेटा जो है आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलेगा ठीक है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का गौर्मेंट वेबसाइट से आपको ये पता लगेगा कि लोगों का इनकम कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लोगों का लोगों का प्रेफरेंस कैसा है सो so, ऐसे जो है डिफरेंट डेटा जो है डिफरेंट सोर्सेस है आपको मिलेगा मास मीडिया की अगर हम बात करें जैसे रेडियो हो गया टेलीविजन हो गया इंटरनेट हो गया ठीक है इसके अलावा फॉर्मल स्टडीज जो है जो एक्सटर्नल एजेंसीज कंडक्ट करते हैं ये सारे आपके क्या है दे आर ऑल योर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सो सेकेंड स्टेप में यू विल आइडेंटिफाई ऑल योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थर्ड वन इज ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग ना अप्रोचेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग आपको पता ही होगा अप्रोचेस हमने पहले ही देखा था आप कोई भी अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हो आप या तो सिस्टमैटिक अप्रोच यूज कर सकते हो या फिर आप एडॉक अप्रोच यूज कर सकते हो या फिर आप प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच ठीक है इनमें से कोई भी आप अप्रोच यूज कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि इनको ही यूज करना है आप इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो ठीक है so, सो आपका जैसा रिज आपका बिजनेस है जिस तरीके से आपका नीड है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो यू कैन टेलर ऑल दीज टू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स टेक्नीक ऑफ एनवायरमेंटलिंग नाउ देर इज अड रेंज ऑफ टेक्निकबल फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग दीज आर क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टेक्निक्स ठीक है सो हमारे पास क्वानिटेटिव टेक्निक्स है और हमारे पास क्या है क्वालिटेटिव टेक्निक क्वानिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टेक्निक्स है हमारे पास जिससे कि हम जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या कर सकते हैं एनवायरमेंटल एनवायरमेंट की हमारी स्कैनिंग कर सकते हैं नाउ देर आर फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक टेक्निक्स एज वेल एस इंट्यूटिव मेथड्स अवेलेबल विद स्ट्रेटेजिस्ट हमारे पास जो है फंड कम है तो हम छोटे लेवल पे छोटे अगर हमारे पास फंड ज्यादा है तो हम ज्यादा महान महान करेंगे, महान महान लोगों को अपॉइंट करेंगे सो so, अगेन ये जो है टेक्निक्स आप क्या टेक्निक यूज करते हो अपने एनवायरमेंट स्कैनिंग के लिए वो एक तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा आपका कैसा है, बिजनेस कैसा है प्लस डिपेंड करेगा कि आपके पास फाइनेंस कितना आपके पास पैसा कितना है इन इन सब सब पे पे लगाने के लिए, इन सब पे उड़ाने के लिए ठीक है नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स इफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग नाउ देर आर वेरियस फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करता है आपके एनवायरमेंटल स्कैनिंग को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जैसे आपका इवेंट हो गया ट्रेंड हो गया इश्यूज हो गए एक्सपेक्टेशन हो गया ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ये सारी चीजें जो है इफ़ेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल स्कैनिंग को ठीक है सो ये फैक्टर्स को आपको ध्यान देना है So talking about the factors affecting environmental scanning, we have events, trends, issues as well as various expectations. ठीक है? अब events क्या है? They are important and specific occurrences taking place in different environmental sector. मतलब कि कोई भी event हो गया कहीं पे जिससे कि आपका business वो affect कर रहा हो, ठीक है? Next we have trend. अगर environment में कोई भी trend हो गया, कोई ऐसा चीज हो गया, कोई tendency हो गया, कोई कोई ऐसा चीज जो कि change हुआ हो environment में

और इस नए ट्रेंड के कारण कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी बड़ी है कस्टमर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग जो है अच्छा प्रोडक्ट जो है आप लॉन्च करके दोगे बना के दोगे सो so, ये सारे चीजें ये सारे जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपके एनवायरमेंटल स्कैनिंग ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको ये सारे इश्यूज को है वॉच आउट करना है ये सारी चीजों को आपको देखना है जब आप एनवायरमेंट की स्कैनिंग करोगे एंड उसके बाद जो स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल ठीक है सो यहाँ पे आप एक ईटीओपी यानी कि एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जो है उसको आप सेटअप करोगे

हमारे लिए थ्रेट्स जो है वो क्या क्या है ठीक है सो दिस इज योर ईटी इट इज ऑल्सो नोन एस ईटीओपी सो ई टी ओपीज नथिंग बट योर एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल सो आपके सामने एक प्रोफाइल बन के आ जाएगा आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल एनवायरमेंट जो है द प्रिपरेशन ऑफ दिस ईटीओपी रिक्वायर्स ओवरऑल एनवायरमेंट

पूरा का पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब आपको आपके सामने हो जाएगा आपको सामने जो है अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल आई कि भाई मेरी अपॉर्चुनिटी ये है मेरे लिए थ्रेट ये है तो ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटर्जीज ठीक है इससे हम एडवांटेज ले सकते हैं एडवांटेज ले सकते हैं ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अस एंड आल्सो वी कैन काउंटर द थ्रेट्स दैट इज पोस्ट बाय दिस एनवायरमेंट तो इसी के साथ हमने ये जो यूनिट है पूरा हम हम यूनिट पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इस यूनिट को हमने जो है कवर अप कर लिया है ठीक है सो हमने बिजनेस एनवायरमेंट को देखा कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है भाई बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा ठीक है फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा बिजनेस एनवायरमेंट का कि बिजनेस एनवायरमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है इसलिए है उसको देखना इतना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बहुत सी ज्यादा मल्टीफेसिटेड है ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट देखा बिजनेस एनवयमेंट जो है वो आपका इंटरनल हो सकता है आपका एक्सटर्नल हो सकता है अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें आपका इट कैन भी डिवाइडेड इन टू माइक्रो एनवायरमेंट एज वेल एज योर मैक्रो एनवायरमेंट माइक्रो माइक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें होती है वो हमने देखा जैसे कस्टमर्स हो गया आपका मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गए पब्लिक हो गया वर्कर यूनियन हो गया सप्लायर्स हो गए अगर आप मैक्रो एनवायरमेंट की बात करें माइक्रो एनवायरमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि सोशोकल्चर एवायरमेंट हो गया आपका डेमोग्राफिक एनवायरमेंट हो गया पोलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट हो गया एंड एज वेल एज योर नेचुरल एंड इंटरनेशनल एनवाइन इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में जो है किस तरीके से इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिया इंडिया में किस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ टेक्नोलॉजी में चेंजेस के बाद क्या क्या हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ तो so, ये सारी चीजें हमने देखा देन वी स्टडीड अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग एनवायरमेंट स्कैनिंग क्यों जरूरी है उसका नीड क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिर अप्रोचेस क्या है तीन तरीके के अप्रोचेस जिसमें हमने देखे इट कुड बी सिस्टमैटिक अप्रोच इट कुड बी ए डॉक अप्रोच और इट कुड बी प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच ठीक है फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग पूरा का पूरा प्रोसेस देखा ये सारे स्टेप्स जो है इस प्रोसेस में आपको सीक्वेंशली फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको पता लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे की आपके सामने आपके बिजनेस के लिए थ्रेट क्या है और आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट सो हैव फिनिश्ड विद दिस यूनिट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय